हम लोग का कितना पानी है यहां भरा हुआ और आज उस पानी का कोई उपयोग नहीं। आज कोई भी खेत कर किसान हमारा खेती करने के लिए पानी कहीं से भी लाएगा, मोटर पंप लगाएगा, उस किसान को बिजली का कनेक्शन मुफ्त देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये हम आप लोग को वादा करते हैं। हम लोग गांव देहात में अपना बेटा बेटी लोग को कम पढ़ाते हैं, बेटा लोग तो किसी तरह पढ़ लेता है, बच्चियों लोग को कम पढ़ाते हैं, पैसा का अभाव रहता है, मैट्रिक पास अधिक से अधिक हो गया, शादी दे दो बेचारा, बोझा घट गया। लेकिन अब हमारे बेटी या बोझा नहीं होगी, अब हमारी बेटियों के लिए हमने निर्णय लिया है कि सरकार बदलते ही जितने भी इस राज्य की जो भी जाति धर्म की बेटियां होंगी उसको इंजीनियर डॉक्टर शिक्षक नर्स पढ़ने का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, हम लोग उठाएंगे, ये हम लोगों ने निर्णय लिया। आज ये लोग प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वोट पाएगा, गैस चूल्हा के नाम पर वोट पाएगा, शौचालय के नाम पर वोट पाएगा, और वो भी ऐसा प्रधानमंत्री आवास जो जेल का कोठरी जैसा, और वो पहले बिना घूस का मिलता नहीं और बिना कर्जा का पूरा होता नहीं है। इसलिए आपको कर्जा लेने का जरूरत ना पड़े, इसके लिए हम लोग 3 लाख रुपया वाला सुसज्जित आवास देने का काम करेंगे ताकि आप लोग भी मान सम्मान से रह सके। ऐसे अनेकों चीज हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम लोगों ने गांव में किसान बैंक खोलने का निर्णय लिया है, गांव में हम लोग महिला बैंक खोलने का निर्णय लिया है, हर प्रखंड मुख्यालय में कोल्ड स्टोरेज खोलने का निर्णय लिया है ताकि किसानों का सब्जी बेकार ना। हम लोगों ने किसानों को धान खरीद का जो सरकारी दाम है 2300 से 2700 रुपया देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और सरकार आपसे खरीदेगी 2300 से 2700 रुपया जो आपको 1200-1500 रुपया में बिकना पड़ता है। ऐसे अनेकों चीज आज, इसीलिए आज इस सरकार का योजना ऐसा कि आज इनके पास 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में दवाई नहीं है, आज इनका मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, मशीने नहीं है, कैसा मेडिकल कॉलेज है भाई, ये तो मुर्दा घर से भी बदतर है। आज वो मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि मुर्दा घर के बराबर है। आज इसीलिए इस राज्य में इन लोगों ने सिर्फ और टेंडर के माध्यम से अपना कमीशन खाने का काम किया, अभी इन लोगों ने न्याय का मंदिर हाई कोर्ट में 400 करोड़ रुपया से बन रहा बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर घोटाला कर दिया, और अभी लोकतंत्र का मंदिर जहां विधानसभा भी होना था नया बिल्डिंग बनाया था, वो बिल्डिंग भी अभी 4 दिन पहले धू धू करके जल करके राख हो गई, और उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले हुए। जब इसका उद्घाटन हो रहा था हमने इसका बहिष्कार किया था, हमने कहा इसमें गड़बड़ियां हुई है, इसमें सही चीजें नहीं लगाई गई है, इसमें कई अनियमितताएं हैं, हम लोग उस उद्घाटन समारोह में नहीं गए, हमें बुलाया गया था और प्रधानमंत्री से जोर जबरदस्ती फीता कटवा दिया गया, और नतीजा आज उस बिल्डिंग में आग लग गया, और आज वो आग लगा है कि आग लगाया गया है ये भी जांच का विषय है, क्योंकि हमारे पास सबूत है भारत यहां सरकार ने कितने घोटाले किए, सिंचाई विभाग में कितना घोटाला हुआ, बिल्डिंग विभाग में कितना घोटाला हुआ, कंबल में कितना घोटाला हुआ, इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए इन लोगों ने दस्तावेज जलाने का काम किया। आज इसीलिए साथी पहला चरण का चुनाव हो गया, दूसरा चरण का भी चुनाव कल संपन्न हो गया, और जो हमें जानकारी मिली है भारतीय जनता पार्टी का ये जो डबल इंजन वाली सरकार है वो एक इंजन अब फेल कर गया, अब एक ही इंजन बाकी है, अब ये बाकी चरण में इस इंजन का भी पुर्जा हम लोग इधर उधर कर देंगे और वो अब गैराज में सड़ता हुआ नजर आएगा, ये आप आपको निर्णय लेना है। ये डबल इंजन की सरकार लूट करके इन लोगों ने राज को तबाह कर दिया, यहां के आदिवासियों को, यहां के झारखंडियों को, आज इसलिए साथ
आज आपके सामने ये चुनाव सिर्फ नहीं चुनाव, ये चुनौती है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इस चुनाव में आपकी चागड़ में हमारे आदरणीय सुधीर महतो जी के रोजी रोटी पर पलने वाला व्यक्ति भी आज सुधीर महतो जी के परिवार को ललकार रहा है। आपको चुनौती देना है और उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी है और चुनाव उसकी जमानत भी नहीं बचे ऐसे आपको हिस्सा लेना है। ये तो अजीब हालत हो गया। ऐसे ही गद्दारों की वजह से हम लोग का राज आज बर्बाद है और ऐसे ही गद्दारों की वजह से हमारे शहीद निर्मल महतो, टेकलाल महतो, गुरु जी का सपना पूरा नहीं हो रहा। आज इन्हीं गद्दारों की वजह से हमारे सिद्धू कानू बिरसा मुंडा की हम लोग के सपने पूरे नहीं हो रहे। आज जो यहाँ सुधीर महतो जी के रहम करम पर पलने वाला व्यक्ति आज चुनाव लड़ रहा, आज टेकलाल महतो जी का बेटा भाजपा के गोद में एक बैठ गया जाकर के, आज इस जो देश का इतिहास रहा है, इस देश में जब अंग्रेज लोग आया था तो अंग्रेज लोग सीधे नहीं आया, आज ये लोग देश भारत देश का लोगों को पहले दलाल बनाया, कुछ राजाओं को अपना जेब में रख लिया, उसके बाद धीरे धीरे पूरे देश को कब्जा किया। इसी तरीके से ये लोग भी हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसे गद्दारों को आप लोग को पहचानने की आवश्यकता है। अभी जैसे अभी आप लोगों ने देखा, आप लोग मोबाइल सब उपयोग करते हैं बड़ी जोर से, बड़ा बड़ा मोबाइल आप लोग उपयोग कर रहे हैं। वो एक समय वो जियो कंपनी वाला जो था, जो आप लोग सुने होंगे, मोबाइल फ्री, सिम कार्ड फ्री, डाटा फ्री, अब क्या बोल रहा है ये लोग, आप कोई डाटा फ्री नहीं, सब में अब आपको पैसा लगेगा। ये लोग पहले नशा देता है, पहले ये लोग नशा देता है, जब आप नशेड़ी हो जाए तब आपसे ये सारा चीज तस्वीर कर लेगा। चिंता मत, ये समय के अभाव में वो हमको बुला रहा है, हमको जल्दी करने के लिए बोल रहा है, चिंता मत कीजिए, अभी जाएंगे उसके बाद बोल के ही जाएंगे। बोया को निहर नुकु बैमान कुआ चाल पे गेला आर पे हुदिस दोया 12 तारीख चुनाव का अंत होना जहाल का। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिखना है, आंख उधर है कान इधर है, दिक्कत नहीं है। इसलिए बांग्ला में बोलने वाला लोग है दादा, अच्छा एक बार में सब नहीं बोला जाएगा, तो इसलिए तीन नंबर एबीएम मशीन में अमार तीर धनुष छाप अच्छे अपनारे निश्चित रूपे 12 तारीख के वोट करबिन तो तीन नंबरे अमार गठबंधने छापा छे और सभी लोगों से ये भी बड़ा साहब देखो, ये सुधीर दा का नाती है। अभी ये भी आने वाला समय में झारखंड का तीर धनुष उठाएगा और ऐसे मेहमानों को छत्तीसगढ़ खदेड़ने का काम करेगा। आशीर्वाद हम इसी वजह से बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोग इस सभा में आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग तैयारी कर लीजिए, गांव गांव में आप लोगों को रात जगी कीजिए और इन मेहमानों को घर में घुसने मत दीजिए। पैसा कोड़ी बांटेगा, हड़िया दारू बांटेगा, मांस मुर्गा बांटेगा, सब खा जाइए, लेकिन आप वोट देने के समय सुधीर दा को याद कीजिएगा, निर्मल दा को याद कीजिएगा, गुरु जी को याद कीजिएगा, तभी आप वोट दीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि अमित शाह को याद करके आप लोग वोट दे दीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो रघुवर दास छत्तीसगढ़ के लोगों को देख करके आप लोग वोट दे दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपका वोट चला जाएगा गुजरात में और छत्तीसगढ़ में और रोते रह जाइएगा, आंसू पोछने वाला कोई नहीं आएगा। अभी लोग बोलता है कि मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार, आप बीमार होइएगा तो क्या नरेंद्र मोदी जी आएंगे आपका इलाज कराने के लिए? आपका बेटा बीमार होगा तो क्या दिल्ली से मंत्री आएगा?
ये तो आप ही का माँ बेटा, आप ही का जो बीच का रहने वाला लोग है वही आपका दुख तकलीफ समझ सकता है। इसलिए साथी तीन नंबर तीर धनुष छाप 12 तारीख याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार।